नमस्कार, मी शेख याय्या. माझा महाराष्ट्राच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. माजी महापौर अब्दुल सत्तार यांच्यातर्फे पाकिजा फंक्शन हॉल येथील इफ्तार पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं. या इफ्तार पार्टीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या इफ्तार पार्टीमध्ये हजारोच्या संख्येने लोक उपस्थिती होते. अब्दुल गफार युवा नेते यांनी मान्यवरांचा सत्कार केला. यावेळी या इफ्तार पार्टीमध्ये आमदार डी पी सावंत, आमदार वसंतराव चव्हाण व सभापती, महापौर, उपमहापौर व सर्व नगरसेवकांची उपस्थिती होती. अल्लाह के फजल से आज जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी और उसमें शिरकत सभी हमारे मुस्लिम सभी जिम्मेदार लोग उसमें शिरकत हुई है. मैं तहे दिल से पहले उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खास करके हमारे भाई, खास करके सब पूरे नांदेड़ शहर के लोग उसमें शिरकत किए और इफ्तार पार्टी को प्रारंभ किए. उसमें हमारे नेता अशोक राजी चौहान उसमें शिरकत में अपने डी पी सावंत साहब, वसंत चव्हाण जी और हमारे सभी कारपोरेटर, खास करके हमारे मसूद भाई, शेला जी भाई, सभी हमारा ग्रुप पूरा जो इस एरिए के सभी कारपोरेटर उसमें शिरकत की है और सभी हमारे जितने भी कांग्रेस के कारपोरेटर उसमें शिरकत है सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और ख़ास करके जिस तरह से आज जो इफ्तार पार्टी जो रखी गई है उसका मैं तकरीबन 30 से 35 साल से करते आ रहा हूँ. कोई नई इफ्तार पार्टी नहीं, लोगों जो बोलते सियासी इफ्तार पार्टी मेरी नहीं. अल्लाह के फजल से आज हम हमारा जो ग्रुप था पूरा, हमारे जो दोस्त थे, हम तकरीबन 35 साल से चालू करते थे इफ्तार पार्टी, पुरानी परंपरा. और अल्लाह के फजल से आप मीडिया सब उसमें आप भी उसमें शिरकत किए और सबका मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम वक्त में अशोक राव जी ने कल बोले थे कि इफ्तार पार्टी रखो और आज अल्लाह के फजल से सभी लोग, मेरे वाट के लोग, मेरे नांदेड़ के शहर के मुजिब शहरी और सभी गरीब लोग उसमें शिरकत किए. और ये ऐसा कि आज एक मैसेज दिया जाता कि हिंदू मुसलमान जो हमारे हिंदू भाई सभी कारपोरेटर उसमें सभी सियासी लोग उसमें शामिल होने का मकसद ये रहता है कि एक भाईचारा जो इस्लामी कैची जो है आज अल्लाह के बदले नांदेड़ में जिंदा है. और जी भी सभी हमारे उर्दू प्रेस वाले भाई हमारे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम वक्त में आज अल्लाह के बदलते कि इफ्तार पार्टी कामयाबी और सभी हमारे जितने भी दोस्त है अहबाब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा. सत्तार साहब, आप जब मेयर थे तो आपके पीरियड में महानगर पालिका में इफ्तार पार्टी रखी जाती थी और उसका निधि भी आती थी. अब वो बंद होगा, इसके बारे में आप क्या कहें? इफ्तार पार्टी का जैसा कि आज बता रहे जा रहे कि गवर्नमेंट का बैंड लगाया गया है कि उसके लिए कि इफ्तार पार्टी जो सियासी लोग उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होना, उससे सियासी खर्चा करना नहीं, धार्मिक प्रोग्राम नहीं लेना पड़ता. अपन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, अपन हमारे जो दोस्त अहबाब है हम हमारे खुद के पैसे से इफ्तार पार्टी की परंपरा कायम रखी. ऐसा नहीं है कि हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो संगठन है सब मिलकर जो हमारे लोग हैं वो इफ्तार पार्टी हम हमारे पैसों से खर्चे से रखी है वहाँ पर, ऐसा ही नहीं है. और मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन से भी कि खास करके जिस तरह बता रहे कि भाई
धार्मिक प्रोग्रामों पे इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नया आबादी में जो ये था अपना कौन सा दिन बोलते तो तुम्हारी रामनवमी जो मनाई गई थी उसको जो टीन शेड मारेगा तो वो कौन से पैसे से खर्चा किया गया, हम ये भी पूछेंगे। जब धार्मिक आप बता रहे हैं कि धार्मिक इस पर इस्तेमाल नहीं होना पैसा, जब लाखों रुपये आप जो रामनवमी के नाम पर जो आज वहाँ खर्चा किया जा रहा था वो कौन से खर्चे में से किया जा रहा, ये भी पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खास कर एक तबके को जो टारगेट किया जा रहा काज करके, इंशाल्लाह आप जो बता रहे हैं इफ्तार पार्टी नांदेड़ महानगर पालिका में 100% होंगी हमारे खर्चे से। पिछले लगातार 35 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब सत्तार साहब के पास में इफ्तार पार्टी रखी जाती है, उसी तरीके से आज भी इफ्तार पार्टी का नज़्म किया गया। और सबसे खसूसी बात ये रही इसके अंदर में महाराष्ट्र की आन बान शान विकास की पहचान, आदरणीय अशोक चौहान साहब तशरीफ लाए, उनके साथ माजी मंत्री डीपी सावंत साहब और भी आमदार वसंतराव चौहान साहब, अली जनाब मसूद अहमद खान साहब, सत्तार भाई, शमीम भाई और पूरे नगर सेवक सभापति हमारे फारूक भाई और उनके साथ में युवाओं की टीम अली जनाब अब्दुल गफ्फार साहब की पूरी युवाओं की टीम रही। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक देखने को मिली है कि जो हमारा जो देश है गंगा जमुना तहजीब का वो यहाँ पर एक साथ देखा गया। ये मंच के ऊपर में हर जाति हर धर्म के साथ खाने को खाना लगा करके रहे और हर प्रोग्राम में रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से हम एकता को कायम रखेंगे। सत्तार भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, हर वक्त में मुसलमानों की जानिब से ये जो कार्यक्रम रखा जाता है उसको कंटिन्यू में रखा है। आने वाले वक्त में भी हमारे नेता ने कहा है कि हम जगह जगह पर मतलब इफ्तार पार्टी में वक्त देंगे और मैं आए हुए सभी इफ्तार के लिए सभी रोज़ादारों का मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ और ये परंपरा कायम रहेंगी ऐसा ऐलान करता हूँ। खुदा आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।